हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के मलाला डैम में बादल फटने से जो भारी तबाही हुई थी, उसके बाद उस पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो कितना मुश्किल था। इस वक्त मैं मलाना गांव में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो जवान हैं एनडीआरएफ के, जिन्होंने इस दुर्गम पहाड़ी से जो है सफ़र तय करके तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर जाकर वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। और जो पावर प्रोजेक्ट की जो टनल थी वहाँ पर जो 4 मजदूर फंसे हुए थे उन्हें जो है आज सुबह जो है सुरक्षित निकाला। और कल से ही जो है वो लगातार जो थे एनडीआरएफ के जवान और हिमाचल पुलिस के जो होमगार्ड के जवान थे वहाँ पर पहुँचे थे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलवाया था। इस वक्त हमारे साथ एनडीआरएफ जवान के जो कमांडेंट जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लीड किया है प्रेमचंद जी हैं, उनसे जानते हैं सर किस तरह से ऑपरेशन था और कितना टाइम आपको लगा। सर ये ऑपरेशन एक्चुअली कल मॉर्निंग जो है 7 बजे हमें कॉल आई थी कि जरी एरिया में कुछ लोग फंसे हैं तो वहाँ पे आइलैंड बना है तो वहाँ आपको मूव करना है। तो फर्स्टली तो हम जरी एरिया के लिए आए थे, तब जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे वो लोग इवैक्यूएट सेफली हो गए थे। देन उसके बाद हमें बताया गया डीडीएम कुल्लू की तरफ से कि आपको जो है मलाना पावर प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया है, वहाँ कुछ लोग फंसे हैं तो उनको निकालने आना है। तो इस रूट से हम लोग आए और ठीक सामने आप देख सकते हैं जो ये लैंडस्लाइड है। लैंडस्लाइड होने की वजह से लगभग यहाँ से जो है 3-1 किलोमीटर जो रोड था वो कट ऑफ हो गया था। तो हमें जो है ऑन फुट यहाँ से ऊपर इस पहाड़ी से होते हुए जो है आगे जाके नीचे रोड पे उतरना पड़ा। और लगभग इसमें जो है एक तो बारिश भी हो रही थी और हमारे साथ जो है हमें इक्विपमेंट भी कैरी करना था, क्लोथिंग कैरी करना था, तो लगभग 20 से 25 किलो हम अपने साथ कैरी करके ले गए, जो कि हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं उनकी जो फिजिकल एफिशिएंसी है उसका जो है एक वो जीता जागता उदाहरण है। देन उसके बाद जब जैसे ही हम लोग डैम पहुंचे तो वहां से हमने देखा कि लेफ्ट बैंक के पाली साइड जो है लगभग काफ़ी सारे लोग दिख रहे थे। तो जब हमने रेस्क्यू किया तो 20 लोग थे, तो लेफ्ट बैंक में उन तक पहुंचने के लिए अप्रोच नहीं था। तो हमने जो है ब्रिज से पार गए हम। देन उसके बाद जैसे ही हमने इस यहाँ पे फॉलो किया था वैसे ही हमने रोप रेस्क्यू जो इक्विपमेंट्स है उसके सहारे हम रोप का इस्तेमाल करते हुए जो है ऊपर पहुँचे। ऊपर से जो है दूसरी लेफ्ट बैंक में जितने भी लोग थे उनको सेफली हमने कल इवनिंग तक इवैक्यूएट कर लिया था। इस ऑपरेशन में कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया और कितने लोग टनल में फंसे? सर टनल में जो उनको हमने आज सेफली निकाला था उसमें 4 लोग फंसे थे। तो कल शाम को भी हम इवनिंग में उनके पास पहुंच गए थे, उनके ठीक सामने हम लोग पहुंच गए थे, पर अंधेरा होने की वजह से हम कल इस ऑपरेशन को कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो चूंकि अंधेरा हुआ था तो और मॉर्निंग में हमें जल्दी आना था तो हमने नाइट शेल्टर यहीं पे लिया, इसी फॉरेस्ट में हमने नाइट शेल्टर लिया कल। एंड देन उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हमने जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को स्टार्ट किया और आप देख सकते हैं कि हमने जो है कम्प्लीटली जो है चारों को सेफली जो है निकाल दिया। पानी का बहाव कितना तेज था कि आपको कोई मुश्किल कितनी आई इस पानी के बहाव को तेज करने में? पानी का बहाव सर बहुत ज्यादा था और मडी वाटर है, जब जैसे भी आप देख सकते हो कि फ्लैश फ्लड जब आते हैं तो अपने साथ काफी ज्यादा डेबरी लेके आता है, तो उसमें जो है 25 से 30 मीटर का एरिया क्रॉस करना है। तो हमने उसमें रोप की मदद ली और हमारे पास एक इक्विपमेंट है रोप थ्रोइंग गन, तो उसका इस्तेमाल से हमने रोप को थ्रो किया पहले विक्टिम्स के पास। तो उन और हमारा एक रेस्क्यूअर जो हमारा रेस्क्यूअर है हमारे अरुण जी, उनको हमने पार भेजा और सेफली उन्होंने जो है हार्नेस कैराबिनर और पुल्ली की मदद से जो है बिले देते हुए सेफली चारों को हमने एक के बाद एक सेफली रेस्क्यू किया। जिस तरह से मलाना डैम जो है वो उसकी क्या स्थिति है और अब वो कितने दिनों तक जो है आपको लग रहा है कि आगे वर्किंग में हो पाएगा? वर्किंग कंडीशन मुझे लगता नहीं है कि इस फाइनेंशियल ईयर में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो मलाना का जो डैम है टोटली जो है आपका राइट साइड से देखें तो उसके जो पूरा टूट रखा है और उनके आगे जो ब्रिजेस वगैरह टोटल, और साथ ही साथ जो है दोनों साइड से जो मलाना के लिए रोड भी है वो 100 मीटर कम से कम कट गया है, और इनके टनल के लिए जो स्टेज 2 है इनके वहाँ टनल तक जाने के लिए भी राइट साइड से जो फ्लैंक है उसमें भी लगभग 100 to 150 मीटर जो रोड टोटली कट ऑफ हो गया है। सामने आपको जो पहाड़ी दिख रही है ये मलाना गांव है और यहाँ तक का जो रास्ता था वो यही एक राजमार्ग जो रोड है
इसी से मलाना गांव पहुंचा जा सकता था। और जो प्रोजेक्ट में मलाना जो प्रोजेक्ट बिजली प्रोजेक्ट है, जहां पर बीती रात की अगर हम बात करें तो वहां पर बड़ा क्लाउड बर्स्ट होता है और उसके बाद पूरा जो मलाना जो बिजली प्रोजेक्ट था वो पूरी तरह तबाह हो जाता है। और उस पर जो थे कल जो एनडीआरएफ की टीम और हिमाचल पुलिस की होमगार्ड की जो टीम थी वो इन इस रोड के ढह जाने से जो है इन जंगलों के रास्ते से होकर जो है वहां तक पहुंचती है और वहां पर उस टनल में जो थे तकरीबन 4 मजदूर जो थे वो बीच में फंसे थे और उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जो है आज जो है उन्हें वहां से निकाला गया है। और अभी एनडीआरएफ की टीम जो है रेस्क्यू ऑपरेशन करके यहां पर पहुंची है और हिमाचल होमगार्ड की टीम भी अभी इसी कुछ ही समय में जो यहां पर पहुंच चुकी है। और हमारे साथ जो है हिमाचल होमगार्ड के जो कमांडर हैं उन्हीं से जानते हैं कि किस तरह का ये जटिल ऑपरेशन था। सर, ये किस तरह से ऑपरेशन रहा है और कितना टाइम लगा इसको? ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ ये बहुत जटिल रहा, क्योंकि मेरे अनुभव के मुताबिक ये सबसे जटिल ऑपरेशन था। जो आप सामने देख रहे हैं ये जो क्लाउड बर्स्ट हुआ जिसने जो नुकसान किया है, तो जो डैम साइट पे जो नुकसान हुआ था 29 लोग पिछले कल इवैक्यूएट करवा दिए थे और उसके बाद 4 लोग ऐसी जटिल स्थिति में थे जो टनल के अंदर फंसे थे, उनके लिए निकलने के लिए बाहर कोई भी रास्ता नहीं था। क्योंकि आप सर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कैसे ये रोड था, कितना किलोमीटर तक आके डैमेज है, थोड़ा बताइए जरा। ये तो मेरे हिसाब से तो ये जगह जगह पर डैमेज है। ये देखिएगा यहाँ इसके आगे जो वो धार आप टेकरी देख रहे हैं, इसके आगे और भी ज्यादा डैमेज हुआ है और मलाना तक का जो रोड है वो बहुत ही क्षतिग्रस्त हुआ है। जो रेस्क्यू टीम है इन पहाड़ियों को चढ़ती हुई, और कभी उतरना है कभी चढ़ना है कभी उतरना है कभी चढ़ना है, तो वहां पर घटनास्थल पर पहुंची। तो कितने किलोमीटर का ये यहाँ से आप पहाड़ी चढ़ के गए? ये पहाड़ी चढ़ने के तो लगभग कोई 4 किलोमीटर का ये एरिया था। ये कभी ऊपर जाना है कभी नीचे आना है कभी ऊपर जाना है, मतलब ये टोपोग्राफी के आधार पर काम किया तो गया। आपके कितने टीम से आपके कितने लोग थे और एनडीआरएफ की टीम से कितने लोग वहां तक रेस्क्यू के लिए गए? एनडीआरएफ के 24 लोग थे, हमारी हिमाचल होमगार्ड और फायर सर्विस के 9 लोग थे, उसके बाद लोकल रेस्क्यू टीमें भी यहाँ पर थी और अभिमास के भी 4 लोग आए थे, जो माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वो 4 लोग वो भी आए थे। तो आज का जो ऑपरेशन था ये अति जटिल होने के नाते हमने साझा किया इसको, मतलब सब ने मिलकर वहां पर पहले रोप ब्रिज बनाया। रोप ब्रिज जब हमारा बना तो चारों को जो है वो निकालने में सफल हुए। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला है ये मात्र 1.5 घंटे में हमने कंप्लीट किया। तो कितने देर फंसे थे वो? वो तो पिछले कल के फंसे हुए थे, वो भूखे और प्यासे थे। उनको जब अभी आपने देखा होगा जब वो आ रहे थे हमारे साथ साथ आ रहे थे तो वो चल भी नहीं पा रहे थे और दिमागी तौर पर भी उनको थोड़ा साइको हुआ है कि उनको जो अभी टीम हॉस्पिटल तक ले गई है। अगर हम बात करें मलाना गांव की तो मलाना गांव में काफी बाहर से टूरिस्ट भी आता है, तो अब वहां तक जाने का रास्ता तो अब ये पूरी रोड ढह गई है, तो क्या रास्ता है और अब कैसे वहां पर जो लोग होंगे आपके लिए किस तरह की चुनौतियां रहने वाली आगे? मलाना गांव सबसे पुराना लोकतंत्र है वहां और उसके लिए एकमात्र यही रोड है और कोई रोड नहीं, और अब सिर्फ पैदल रूट बचे हैं वो भी प्रभावित हुए हैं इस बरसात से। तो अब ये चुनौती हम सब के लिए है कि भाई वहां के लिए कोई राशन पहुंचाना है या उनके लिए कोई बीमारी शमारी देखनी है या कोई और सुविधाएं प्रदान करनी है, तो ये हम कुल्लू वासियों के लिए भी चुनौती है। चलो जिला प्रशासन इसके लिए तैयारी कर रहा है, जल्द इसका समाधान निकालेंगे। तो ये स्टेट लेवल तक जिला प्रशासन बात कर रहा है, सीएम साहब से भी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुआ है या हो भी रहा है, तो वो निगरानी कर रहे हैं। तो उसके बाद जो ये रोड की हालत आप देख रहे हैं ये यहाँ देखकर ही इसका अनुमान ना लगाया जाए, क्योंकि इससे भी ज्यादा लॉस आगे हुआ है इसका। कितने किलोमीटर तक ये डैमेज है पूरा रोड? ये तो लगभग मलाना तक यहाँ से आगे, अच्छा, तो मलाना तक सारा डैमेज है ये, अच्छा, तो रोड से नहीं जा सकते। तो लगभग लगता है एक साल से पहले ये खुलने वाला, लगभग एक साल लग सकता है इसको कंप्लीट करने। ये देखिएगा इतनी डेप्थ कितनी है, जब इसकी फाउंडेशन देनी होगी तो नीचे डेप्थ से देनी होगी, तो वो देखिएगा अपने आप में ही ये एक चुनौती। तो जिस तरह से जो होम गार्ड के जो कमांडर है वो बता रहे हैं कि लगभग अब एक साल जो है इस रोड को बनने में लग जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस वक्त जो है हम एक रोड पे खड़े हैं और अगर आप 10 मीटर की दूरी पे आप देखोगे तो रोड ही पूरा जो है वो एक पहाड़ी ने जो है वो गायब हो गया है, और सामने आपको फिर एक रोड नजर आ रहा होगा, लेकिन ये जो सामने आपको डिस्टेंस नजर आ रहा होगा कम से कम जो है वो तकरीबन जो है ये लगभग लगभग
200 फुट की गहराई हम कह सकते हैं कि 200 फुट का ये गड्ढा देखो कि बड़ा पड़ गया, और नीचे पूरी वैली में जो है जो डैम का जो पानी है लगातार जो मलाना डैम का जो पानी आ रहा है और उसके साथ जो मल मैटा मैल भी जो है पूरा और मट इसके साथ आ रहा है, बड़े बड़े इसके साथ लकड़ी के बड़े बड़े बुलडोजर आए हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं। तो जिस तरह से बादल फटने के बाद जो तबाही मची है उसका ये मंजर है, और अब मलाना गांव जो है पूरे अब कह सकते हैं तो देश से जो है कट चुका है। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन पलानिया, मलाना गाँव।